શિયાળે ખાટું ભલી, ઉનાળે અજમેર, નાગીણો નિત્રો ભલો, સાવણ બીકાનેર। सावन का महीना चल रहा है और बीकानेर के बारे में ये कहा जाता है कि सावन के महीने में यहाँ का मौसम खुश मिजाज होता है, लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूँ, मैं जिस परिवेश में खड़ा हूँ, वहाँ वर्ष भर का मौसम खुश मिजाज होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण जीवन की। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं, ये खुश मिजाज मौसम वाला ग्रामीण जीवन है। यहाँ की अलग सी महक होती है, यहाँ के अलग से ठाठ होते हैं। इसी महक और ठाठ को दिखाने के लिए न्यूज़ 21 राजस्थान एक खास कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में हाजिर हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या है वो सीरीज। नमस्कार, आदाब, आप सभी का फिर से स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। न्यूज़ 21 राजस्थान अलग अलग पेशकश लेकर आपके बीच में आता रहा है और आप सबकी भारी डिमांड पर एक नया कार्यक्रम लेकर न्यूज़ 21 राजस्थान आपके बीच में आ रहा है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरा देश। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे नागौर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम रोल से, जो अपने आप में एक छोटा भारत समेटे हुए। नागौर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर डीडवाना रोड पर आबाद इस घनी आबादी और सभी सुविधाओं से युक्त गांव को रोल या रोहल शरीफ के नाम से जाना जाता है। यहां विभिन्न जाति और मजहब के लोग एक साथ आपसी प्रेम से रहते हैं। गांव में श्री रंगनाथ भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण 1908 में महेश्वरी समाज के श्री तुलसी राम जी पूप परिवार द्वारा कराया गया। यह मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली स्थापत्य कला में निर्मित है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। इसी प्रकार रोल गांव में एक प्रसिद्ध दरगाह शरीफ भी स्थित है, जहां काजी हमीदुद्दीन नागौरी द्वारा लाए गए अवशेष मौजूद हैं। यहां पाक जुब्बा शरीफ और अस्तावा शरीफ भी बड़े ही अदब के साथ रखे हुए हैं। यहां प्रतिवर्ष देश भर से अनेक जायरीन आते हैं और जुब्बा शरीफ व अस्तावा शरीफ की जियारत कर अमन व चैन की दुआएं करते हैं। रोल में प्रतिवर्ष कार्तिक पदी द्वितीया को उर्स या मेला भरा जाता है। इसके अलावा भी गांव में अनेक मंदिर व मस्जिदें हैं, जिनमें से चारभुजा का मंदिर, पीर पहाड़ी, खीमज माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, तेजाजी मंदिर, हनुमान मंदिर, रामदेव मंदिर, रामद्वारा, हसम कासम, पूरा सहित चिल्ला की मस्जिद एवं अनेक धार्मिक स्थल प्रमुख हैं। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, तथा कई लोग सरकारी सेवाओं में भी कार्यरत हैं। गांव के कई परिवार बाहर रहकर भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। गांव के समृद्ध व भामाशाहों द्वारा ग्राम विकास में महती भूमिका निभाई जा रही है। भामाशाहों द्वारा अनेक निर्माण कार्य भी करवाए गए। रोल गांव में जन्मे संत शिरोमणि श्री सुखराम दास जी जलवानिया, जिनकी गिनती महान संतों में की जाती है, जो अपनी भक्ति के कारण प्रसिद्ध हुए, वो रोल गांव से ही थे। आज रोल गांव व्यापारिक दृष्टि से शहरीकरण में सम्मिलित होने जा रहा है। गांव में लंबे अरसे से पत्रकारिता के रूप में खिदमत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण मेघवाल विभिन्न घटनाओं और आयोजनों से भलीभांति वाकिफ हैं। गांव की कहानी में आगे बढ़ने से पहले श्रवण जी से आपका परिचय करवाते हुए गांव की वर्तमान सांस्कृतिक धरोहर को समझते हैं। मैं आज न्यूज़ 21 राजस्थान के माध्यम से आप लोगों को परिचय करना चाहूँगा हमारे से रोल गांव के बारे में। हमारा रोल गांव आदर्श गांव के रूप में अपनी पहचान रखता है।
नागौर जिले में नहीं बल्कि राजस्थान में एक अहम अपनी पहचान रखता है। कारण कि जो मोहम्मद साहब का जुबा शरीफ जो हमारे सरोल गांव में बड़े ही अदब और एहतियात के साथ रखा हुआ है, जो हमारे आम अकीदत के साथ उसकी ज़ियारत करने के लिए पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान रखने वाला जुबा शरीफ जो हमारे रोल गांव में रखा हुआ है। इसी के साथ में हमारे दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ श्री रघुनाथ भगवान का मंदिर जो दक्षिण भारत में नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी अमिट पहचान रखता है, हमारा रोल गांव है जो नागौर जिले में नहीं बल्कि राजस्थान में अपनी पहचान रखते हुए चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो दोनों ही कौमों में सामान्य भाव बनाए रखते हुए आदर सौहार्द के अपना परिचय देते हुए एक अमिट पहचान बने हुए राजस्थान में बल्कि भारत में अपनी पहचान रखता है। इसी प्रकार चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार क्यों न हो चाहे मुस्लिमों का त्यौहार क्यों न हो, हम दोनों ही जाति वर्ग के लोग मिल बैठ के दोनों ही बड़े प्रेम पूर्वक उस त्यौहार में अपनी उपस्थिति देते हुए बेहतरीन तरीके से अपनी हाजिरी देते हुए एक तरह से सामाजिक भाव से मनाते हैं, चाहे ईद हो चाहे होली हो चाहे दीपावली हो चाहे दूसरा त्यौहार क्यों न हो। इसी प्रकार से हमारे रघुनाथ जी का मंदिर जो दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष यहाँ रंगोत्सव होता है ब्रह्मोत्सव होता है, जहाँ गांव-गांव में भगवान अपने सवारी भी विराजमान होकर नगर भ्रमण करवाया जाता है, इसी प्रकार से धनुमास भी होता है या दुलोत्सव होता है सावन के महीने में, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ये दुलोत्सव है तो निश्चित किया गया है। इसी प्रकार हमारे दरगाह शरीफ में जहाँ पूरे राजस्थान से नहीं भारत से ही जुबा शरीफ जियारत करने के लिए बड़े अकीदतमंद आते हैं, या पीर बाबा का प्रतिवर्ष दीपावली से ठीक 15 दिन पहले मेला भी लगता है जहाँ से पूरे विश्व के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं जियारत करने के लिए आते हैं। इसी प्रकार के हमारे यहाँ छोटे बड़े करीब 35-40 मंदिर भी बने हुए हैं, हमारे रोल तालाब पे दोनों ही वर्ग के चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो यहाँ पर मंदिर भी बने हुए हैं, यहाँ पर बगीचियाँ बनी हुई है और धार्मिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर हमारे एक मस्जिद भी बनी हुई है। तो ये हमारे दोनों ही धर्म के लिए इस रोल गांव को जो हम छोटी काशी भी कह सकते हैं, धार्मिक दृष्टि से हमें रोल गांव एक बड़ा ही आदर्श गांव के रूप में पेश आ रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे रोल गांव है जो एक अपनी अमित पहचान रखता है समझ भाव के लिए, कौन सा भी त्यौहार क्यों नहीं हो कोई भी ईद हो चाहे बकरा ईद हो चाहे मीठी ईद हो या दूसरा हो, हम सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं समझ भाव से एक दूसरे का परिचय देते हुए भाईचारे से मनाते हैं। इसी प्रकार हमारे रोल गांव में बहुत सी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को रूप में हम सभी एक दूसरे के सेवक के रूप में काम आते हैं, चाहे कभी कष्ट का हो चाहे सुख का पल क्यों न हो हम मिल बैठ के एक दूसरे की सेवक करते हैं। इसी प्रकार हमारे रोल गांव में सुविधाओं की दृष्टि से हर महकमा यहाँ है, रोल गांव में सबसे बड़ा कालसुला तालाब है जो प्रतिवर्ष यहाँ कभी प्रतिवर्ष पानी 99% लोग इसका यूज़ देते हैं पानी पीते हैं तालाब से, लेकिन इसका तालाब के जो पेंदे की मिट्टी है लाल चिकनी मिट्टी होने की वजह से इसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। इसी तालाब के चारों ओर इसी प्रकार से हरियाली लगाई हुई है, ये हमारे ग्रामीणों की देन है। इसी प्रकार शिवालय है देवालय है और भी मस्जिद है दरगाह है, पीछे ग्राउंड भी एक अच्छा है खेलने के लिए। ठीक उसके सामने हम देखा जयपुर की ओर से जहाँ पर एक पीर पहाड़ी है जहाँ पर हमारे काजी हमीदी नागौरी यहाँ अपने इबादत करने के लिए आए तो 40 दिन सबसे पहले इबादत की थी, उन्हीं की वजह से ये पीर पहाड़ी आज राजस्थान में अपनी अमृत पहचान रखती हुई नागौर जिले में अपने रोल गाँव का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। राम झा राम प्रकाश ठाकर पूर्व सरपंच रोड व श्री राम नारायण डिटेल संचालक रोल कार्यान गैस एजेंसी की तरफ से समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।